ये निशानात इस तरफ इशारा कर रहे हैं। सिपाहियों और बहनों उस तरफ चलते हैं। आ जाओ। फातिमा तुम यहाँ कैसे आई हो? बताओ कैसे आई हो? मैं और मेरी बहन कबीले जाना चाहते थे। मुझे नहीं मालूम था हम जंग में आ जाएंगी। अब तुम ठीक हो? क्या कोई दर्द महसूस हो रहा है? मुझे बताओ। नहीं। उस्मान। मलहून। उस्मान। फातिमा, मलहून, मेरी बेटी। बाबा। ओ बेटी, मेरी बेटी, ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी बाबा। मलहून, मलहून। उस्मान, क्या हुआ? ठीक हूँ मैं, फिक्र ना करें। ठीक हो तुम? बताओ ना। हम ठीक हैं। उस्मान, नायमान भाग गया, जाकर उसको पकड़े। बौरान और पाला भी उसके पीछे गए हैं। वो कहीं बचकर नहीं भाग सकता, हरगिज फिक्र मत करो। अख्तमूर, चलो सब घोड़ों पे सवार हो जाओ। हम सब नायमान के पीछे जाएंगे और उससे हिसाब लेंगे कि चीज का। जंगल आज उनकी कब्र बनेगा जनाब। ऐसा ही होगा। चलो। तुम लोग जाने शहर जाओ, ठीक है? चलो चलो। चलो बेटी। या तुम सब मरोगे। तुम मरोगे, तुम्हारा खून बहेगा आज इस जंगल में नायमान। फातिमा को तकलीफ पहुंचाने का बदला लिया जाएगा। वो बहुत ज्यादा है, हम जाल में फंस गए हैं। क्या आप डर गए हैं श्री कुल खातून? अपने लिए नहीं बुरान सिपाही, मैं आपके लिए परेशान हूँ। आपका खून ज्यादा बह रहा है, आप जख्मी हैं। ये जख्म बहुत मामूली है, आप फिक्र ना करें। यहाँ से बचना मुश्किल है। मेरी गलतियाँ माफ कर दीजिएगा। माफ किया? मैंने माफ किया। हाँ माफ किया तुम्हें आयशा। चलो देखते हैं। आ जाओ। बिस्मिल्लाह। अल्लाहू अकबर। हमला करो। अल्लाहू अकबर। बाला का सल्तनत से जुदा कर दो। हम उस्मान को तोहफा भेजेंगे। क्या हुआ उस्मान की खातून? लगता है आज तुम्हारा खून बहने वाला है। मौत हक से आती है नायमान, हम मौत से नहीं डरते। सर भेजूंगा उस्मान को, वो भी रेशम के कपड़े में लपेट कर। Oh!
तुम्हारा सर आज डर से अलग होकर रहेगा। आ जाओ सिपाहियों, हमला करो। टेकफोर वालंस उसे सजा के बगैर नहीं जाने देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? लेफ्के की तरफ। घोड़सवार दस्ते को हिफाजत के लिए भेजा और अब मैं जाकर कले के साथ खड़ा होऊंगा। जबकि तुर्क हमारी दहलीज पर खड़े हुए हैं, हम गैमलीज को ऐसे नहीं छोड़ सकते और इस बात को टेकफोर समझ जाएंगे। क्या क्या समझ जाएगा टेकफोर? मैं कोयून हिसार वापस क्यों जा रहा हूं? हम अपने कलों में वापस जाना चाहते हैं आफंदी। क्या हो रहा है यहाँ? टेकफोर वालंस, एक बड़ी खबर बुरसा पहुंच गई है। बोलो। उस्मान और उसके सरदारान जिंदा है, वो दस्ता खत्म हो गया।